जुपिटर का एटमॉस्फेयर सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा विशाल और फैला हुआ है। देखने में ये ग्रह कई रंग बिरंगे आसमानों और धब्बों के चित्रपट सा नजर आता है, जो आमतौर पर मॉलिकुलर हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ है। इसके अलावा इसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर जैसे कई और केमिकल कंपाउंड्स भी थोड़ी मात्रा में मौजूद हैं। ये कंपाउंड्स आपको जुपिटर के आउटर एटमॉस्फेयर में मौजूद तीन क्लाउड लेयर्स और थिक बैंड्स यानी पट्टियों में देखने को मिलेंगे। गैस से बने हुए इस विशालकाय ग्रह के एटमॉस्फेयर में कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलती। एक तो इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, तो दूसरा यहाँ लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर्स भी धीरे धीरे लिक्विड कोर में बदलना शुरू कर देती हैं। यहाँ मौजूद मेटालिक हाइड्रोजन सुपर क्रिटिकल स्टेट में मौजूद है, जहाँ प्रेशर और टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। इसकी कोर भी काफी हद तक डिफ्यूज्ड यानी फैली हुई नजर आती है। ताकतवर आंधी, तूफानों और बिजलियों से भरी हुई जगहें आपको कई स्पॉट्स और बेल्ट रीजन्स में देखने को मिलेंगी, जो पृथ्वी के आंधी तूफानों से कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कुल मिलाकर देखें तो जुपिटर का एटमॉस्फेयर सबसे विचित्र नजर आता है। वहीं हमारी पृथ्वी यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर जुपिटर से बिल्कुल अलग है। खैर, ऐसा तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा ग्रह एक रॉकी प्लेनेट है, जहां जुपिटर की तरह ना तो बादल हैं, ना तूफान और बिजलियां हैं, और ना ही यहां कोई डिफ्यूज्ड कोर है। इसके अलावा हमारे ग्रह पर जुपिटर की तरह एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन भी मौजूद नहीं है। अब कल्पना करिए कि अगर किसी तरह से हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर को पृथ्वी के जैसा बना दें तो क्या होगा। पृथ्वी की ही तरह जुपिटर पर गैसें और हवा आदि चलने लगे तो ये ग्रह कैसा दिखाई देगा। आखिर क्या होगा अगर हम जुपिटर को पृथ्वी जैसा बनाने की कोशिश करें, आइए देखते हैं इस वीडियो में। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कुल चार लेयर्स हैं, वही हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में पांच लेयर्स हैं। जिस तरह से अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर्स में टेम्परेचर बदलता है, वैसा ही हमें जुपिटर की लेयर्स में भी देखने को मिलता है। पर जुपिटर और अर्थ के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में बड़ा भारी अंतर है। जुपिटर पर हमें मॉलिकुलर हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ एटमॉस्फेयर दिखाई देता है, तो वहीं अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं। लो प्रेशर पर जब ये सभी गैसें अपने मॉलिकुलर फॉर्म में होती हैं, तो हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जुपिटर के एटमॉस्फेयर से 12 गुना ज्यादा घना यानी डेंस हो जाता है। पर जैसे ही हम जुपिटर के अंदर जाते हैं, जहां प्रेशर बढ़ने लगता है, तो ये डेंसिटी रेशियो कम होने लगता है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक जुपिटर के इंटीरियर फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में सटीक ज्ञान नहीं है, पर फिर भी यहां पर अर्थ का एटमॉस्फेयर जुपिटर के मुकाबले 2 गुना ज्यादा डेंस हो जाता है। इस हिसाब से अगर हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर को अर्थ के बराबर मास वाले एटमॉस्फेयर से रिप्लेस कर दें, तो जुपिटर की वॉल्यूम 50% तक कम हो जाएगी। ऐसा होते ही जुपिटर का रेडियस भी करीब 25-26% तक कम हो जाएगा। देखने में ये शनि ग्रह से थोड़ा छोटा दिखाई देगा, पर ये उससे कई गुना ज्यादा घना होगा। पर अगर जुपिटर के रेडियस में कोई चेंज ना किया जाए और फिर इसके एटमॉस्फेयर को बदल दिया जाए, तो परिस्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। अब ऐसा कैसे होगा, आइए देखते हैं। जब जुपिटर में मौजूद गैसों को अर्थ की एटमॉस्फेरिक गैसों से रिप्लेस किया जाएगा, तो इसकी डेंसिटी और प्रेशर दोनों बढ़ने लगेंगे। अब जैसा कि आमतौर पर सभी प्लैनेट्स और स्टार्स की फॉर्मेशन के साथ होता है, तो जुपिटर का एटमॉस्फेयर तब तक श्रिंक यानी सिकुड़ता रहेगा जब तक वो हाइड्रोस्टैटिक या प्रेशर इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाता। इसी प्रेशर इक्विलिब्रियम के चलते ही अक्सर प्लैनेट्स और स्टार्स हमको गोल आकार में दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होने लगती है। अगर हम यहाँ फिजिक्स का सहारा लें, तो हमें पता लगेगा कि करीब 5.4×10^35 जूल्स की बड़ी ही भयंकर एनर्जी इस दौरान जुपिटर से निकलेगी, जो इसका तापमान कई हजारों गुना तक बढ़ा सकता है। एक अलग दृष्टि से देखें तो ये किसी छोटे सुपरनोवा धमाके से कम नहीं लगेगा। इस भीषण प्रक्रिया के दौरान जुपिटर की आउटर लेयर्स का बड़ा हिस्सा रेडिएशन के साथ बिखरने लगेगा। एक अनुमान के हिसाब से अगर ये रेडिएशन कंटिन्यूअस रहे, तो उस दौरान जुपिटर आपको हमारे सूर्य से 6 गुना ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। जुपिटर के करीबी प्लैनेट्स जैसे कि मार्स और सैटर्न से ये नजारा बड़ा ही डरावना और भयानक दिखाई देगा। जुपिटर के नए एटमॉस्फेयर का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए शायद वैज्ञानिक भी जुपिटर ऐसे ग्रहों को टेराफॉर्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। अर्थ के एटमॉस्फेयर को जुपिटर पर लाने के बाद हम सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट को शायद खो भी सकते हैं। ऐसा होते ही सोलर सिस्टम अनस्टेबल होने लगेगा। इस दौरान खुद पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर भी भारी समस्या आ सकती है।
सो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि जुपिटर का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।